हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड मूड ओरिजिनल। आज की रेसिपी है चाइनीज स्प्रिंग रोल्स या चिकन वेजिटेबल रोल्स, अनदर वेरी पॉपुलर इफ्तार रेसिपी। एंड मैंने होममेड समोसा एंड स्प्रिंग रोल शीट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, एंड आई लिंक टू द रेसिपी इन द डिस्क्रिप्शन। आप वो रेसिपी चेकआउट करें और होममेड शीट्स बनाएं और फिर मेरे साथ ये नेक्स्ट रेसिपी फॉलो करें। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं रोल्स की फिलिंग प्रिपेयर करने से। मैंने यहाँ लिया है एक पैन और उसमें मैं 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के हीट करूँगी और उसमें डालेंगे सबसे पहले गाजर 2 कप्स और इसे हाई फ्लेम पे 30 सेकेंड्स कुक करेंगे और नेक्स्ट ऐड करेंगे 2 कप्स कैबेज। अच्छा, हम सारी ही वेजेस को 1 by 1 डालते जाएंगे और 30 सेकेंड्स कुक करते जाएंगे। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 2 कप्स शिमला मिर्च। इसको अभी इसी तरह से मिक्स किया ऑन हाई फ्लेम फॉर 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास चिकन है 2 कप्स बॉइल्ड, वो इसमें हम ऐड करेंगे। इस तरह से हमने सब को स्टर फ्राई कर लिया है 1 by 1। अब इसमें सीजनिंग के लिए हम ऐड करेंगे 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर और इसमें जो नमक है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर लें। मैंने 1 teaspoon ऐड किया है। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 2 tablespoon सोया सॉस, गिविंग इट अ गुड टॉस, और हम बिल्कुल एंड पे इसमें ऐड करेंगे अपना स्प्रिंग अनियन या जो हरा प्याज है अबाउट 1 cup। इसको हम यूँ मिक्स कर लेते हैं। हमने सारे वेजेस का और जो सोया सॉस ऐड करने से जो मॉइस्चर है हमने इसको ड्राई करना है। जैसे ही वो ड्राई होगा हम फ्लेम अपना ऑफ कर देंगे एंड हाई फ्लेम पे ये 1 minute में ड्राई हो गया है। अब हम इसको कूल डाउन कर लेते हैं और अपनी स्लरी बना लेते हैं। मैंने लिया है 2 tablespoon मैदा और उसमें एज रिक्वायर्ड आप पानी ऐड कर लें और थिन कंसिस्टेंसी का स्मूथ सा एक पेस्ट बना लें जो कि हम एज अ ग्लू यूज़ करेंगे। आज मैं स्टोर बॉट स्प्रिंग रोल शीट्स यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली मुझे एग रोल रैप्स मिले हैं, लेकिन आपको मैं ऑलरेडी रेसिपी बनाना इसकी बता चुकी हूँ, आप उसको यूज़ करते हुए बना सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में एडेड है। हम इस तरह से फिलिंग जो है अपने रैप शीट पे रखेंगे और फिलिंग को अंदर करते हुए हम रोल करेंगे और जो हमारे साइड कॉर्नर्स हैं हम ऊपर ला के यूँ फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे पास एक एनवेलप सा बन जाएगा और हम अपनी स्लरी ब्रश करेंगे इसको सील करने के लिए। बस अब हम इसको यूँ रोल करते हुए बंद कर देंगे। यस, ये हमारा एक स्प्रिंग रोल रेडी है। हम ये सिमिलर वे में बाकी सारे भी प्रिपेयर कर लेते हैं और ये हमारे सारे स्प्रिंग रोल्स डन हो गए हैं। आप इस पॉइंट पे इनको फ्रीज कर सकते हैं किसी जिप लॉक में डाल के या किसी प्लास्टिक बैग में डालकर और यूँ स्टोर कर सकते हैं फॉर अप टू अ मंथ या फिर आप इनको प्रॉम्प्टली फ्राई कर लें, ये आपकी चॉइस है। हम इनके साइड्स फ्लिप करते जाएंगे जैसे एक साइड से ये गोल्डन क्रिस्प हो जाते हैं। एंड सिंस ये मैं एग रोल रैप्स यूज़ कर रही हूँ, मुझे यही मिल सके थे आज। इनका इसलिए थोड़ा सा टेक्सचर जो है वो रेगुलर जो स्प्रिंग रोल शीट्स हैं उनसे डिफरेंट है। और हमारे ये सारे रोल्स जो हैं फ्राई हो चुके हैं, इनको हम सर्व कर लेते हैं। आप ये चाइनीज स्प्रिंग रोल्स रेसिपी ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान में और मुझे इसका फीडबैक दें। नॉट ओनली दिस, हमारी और भी बहुत सी रेसिपीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं अपनी सहरी और इफ्तारी में। विद अनदर अमेजिंग रेसिपी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।